नमस्कार दोस्तों, मेरे इस छोटे से ब्लॉग के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं घूमने के लिए आया हुआ था तो यहाँ पे हमारे को दोस्त मिल गए जो बिहार के हैं, उनसे मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ओके नमस्ते। नमस्कार भैया, नाम क्या है आपका? अजय मंडल। आपका? बालरूप। बालरूप। आपका? रमेश मांझी। रमेश मांझी, क्या काम करते हो भैया? सर वाला काम करते, कंप्यूटर वाला काम करते, बिड़ला कंपनी के अंदर। आदित्य बिड़ला। तो मैं आज आप लोगों का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, आप लोग इंटरव्यू देंगे? दीजिए। चलो तो मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, पूछता हूँ। आप यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हो, आपको कैसा लगता है? अच्छे लगते भैया, हम लोग सही वाला काम करते हैं। आपका पेमेंट कितना है? 17,000। तो कितना है? 17,000 मतलब 15 कुछ ऐसे आ जाता है पेमेंट। तो तीन एक ही गांव के हो? हाँ। शादी हो रखी है आपकी? हाँ ना, शादी नहीं हो रहा, शादी हुआ है? शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं हुआ है आपका भी? इनका तो हमको नहीं। तो आप ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? मजा होता है ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है। तो हम लोग है फैमिली में, देखिए हम लोग का 4 बाल बच्चा है मेरा। अच्छा जी। बिहार से मैं गया, जिला डिस्ट्रिक्ट गया सरघाटी, अपना मेरा गांव हुआ अफजलपुर, अपना गांव अफजलपुर हुआ गया, मतलब बिहार में पड़ता है अपना, गया जिला, अपना जिला पड़ता है गया, बिहार पड़ता है अपना, मेरा जो गाँव है अपना वहाँ पे सरघाटी गाँव पड़ता है। अच्छा अच्छा। थाना पड़ता है सरघाटी, जिला पाती है, मेरा गाँव जो है ना अफजलपुर पड़ता है। अच्छा अच्छा। उससे हमको कोई संपर्क नहीं, यहाँ पे आने लिए हम आए हैं कमाने के लिए आए हो? बिल्कुल, कमाने के लिए आए। यहाँ पे दिक्कत हमको बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे देखिए पानी का सुविधा ना है यहाँ पे अंकल, थोड़ा अंकल नहीं मत भाई लगता भाई लगे जो भी सुनेगा तो थोड़ा आएगा, वही ना बताए। वीडियो के अंदर गाली नहीं निकालते हैं, आपको पता है ना? गाली नहीं निकालते हैं भैया। कह सकते भैया जी, आपको हम बता सकते हैं यहाँ पे यही दिक्कत है और कोई दिक्कत ना है। किस चीज की दिक्कत है? पानी का खाली दिक्कत। पानी का दिक्कत है? पानी यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे बोरिंग वगैरह कर रखी है। बोरिंग नहीं है, पानी नहीं पीते आप, मतलब पिलाते नहीं है यहाँ पे? यहाँ बोरिंग नहीं मिलता है, बोरिंग ना, बस ये दिक्कत है। यहाँ पे जो है ना सोचना सब बढ़िया अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हम लोग का दुए तपलिक है यहाँ पे, खाने का है और एक रूम का है, पानी होता है ना सर रूम में भर जाता है हम लोग का, और फिर पानी पीने के लिए भी तरस जाते हैं सर हम लोग। तो फिर यहाँ पे नाला भी जो है, नल भी जो है वो जाम कर देता है सर अपना, अपने के लिए वो पत्थर डाल देते हैं वहाँ पे कि मतलब कम पानी निकले, तो हम लोग नहा पते का 1500-1600 आदमी। समझ गया आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो आप रहते कहाँ पे हो? यहीं पे रहते हैं झोपड़पट्टी में, यही कॉलोनी में। अच्छा, वो ये जो कॉलोनी है उसके अंदर? अच्छा, तो यहीं पे रहते हो आप लोग? तो मतलब और क्या प्रॉब्लम आप लोगों को? बस खाली खाने की और पानी की? पानी की। तो आप लोग कंपनी के अंदर आए हो तो कंपनी के थ्रू हो या कोई मतलब ठेकेदार वगैरह के थ्रू? ठेकेदार के थ्रू आए हैं सर हम लोग। ठेकेदार के थ्रू? ठेकेदार पैसे वैसे देता है टाइम पे? नहीं, हम लोग का पेंशन कुछ नहीं मिलता है सर। पैसे सैलरी? हाँ सैलरी तो मिलता है सर, देते हैं। हाँ हम लोग का ये पेक ना मिलता है सर। तो ड्रिंक वगैरह करते हो आप? वो तो थोड़ा बहुत लेते हैं सर। ड्रिंक पीना गलत बात है ना? थोड़ा बहुत तो लेंगे सर, है? मेहनत करते हैं सर, थोड़ा बहुत तो लेंगे जरूर। थोड़ा बहुत लेते हो? हाँ, बस यही बात रहता है सर। और चलो कुछ हम वादा नहीं करते। तो आप एक डांस करके दिखा सकते हो मेरे को? हाँ डांस करें सर, कर सकते हो? क्या करें सर, अब यहाँ पर तो शॉर्ट पर तो ना है सर कि डांस करके बताओ। अगर शॉर्ट पर है तो आपको बता, देखिए सर वहाँ पे, देखिए वहाँ पे हम लोग काम करते हैं सर, वहाँ पे वहाँ खड्डा में, देखिए वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे डांस करते हो? जी, वहाँ दिन पर डांस करते हैं सर, वहाँ पे अगर आप चला आएगा ना सर तो कभी भी डांस करके आपको बताते हैं। चलो चलो ठीक है, ये देखिए डांस कर रहा है भाई, करो भाई ये देखो इनका डांस। करेंगे हमको सैलरी टाइम पर नहीं मिलता है, नहीं हमको अपना टाइम पर गुजारते हैं, अपना समय गुजारते हैं, अपना खाते पीते हैं समय पर, चिल करते हो यहाँ पे? हाँ चिल करते हैं, मगर समय पर सैलरी नहीं मिलता है। चलो ठीक है, आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं वीडियो के अंदर। ये देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, धन्यवाद। थोड़ा हमको एक थोड़ा हमारा भाई आ गया है।